बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2024 के लिए पैटर्न जारी हुआ है। बहुत विद्यार्थी हमें कमेंट कर रहा था, सर बताइए किस सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव आएगा और कितना बनाना है। तो आज की इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, मैट्रिक और इंटर परीक्षा परीक्षार्थी दोनों के लिए है। कर बिहार बोर्ड 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 50 और 80 में 40 का ही देना होगा जवाब। यानी कि दोस्तों जिस भी विषय में आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें 50 गो का आंसर देना है, जिस विषय में 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें 40 ही ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको देना है। कह रहा है कि इंटर मैट्रिक के मॉडल पेपर और प्रश्न पत्र जारी, इस बार भी प्रश्नों के विकल्प रहेंगे दोगुने, प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कहां से डाउनलोड करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, ठीक। यहाँ कह रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर के साथ साथ मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है। बोर्ड ने रविवार की दोपहर इंटर के सभी विषयों के मॉडल पेपर और प्रश्न पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया था। वहीं रविवार की देर शाम मैट्रिक के कई विषयों के मॉडल पेपर प्रश्न पत्र अपलोड किए गए हैं। मॉडल पेपर से साफ हो गया है कि इस बार भी प्रश्नों की संख्या विकल्प के तौर पर दोगुनी है। मॉडल पेपर और प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट जो है आपका बिहार बोर्ड ऑनलाइन bihar.gov.in पर उपलब्ध है। और इंटर और मैट्रिक 2024 की वार्षिक परीक्षा में सभी खंडों में दोगुने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट को उनमें से आधे का ही जवाब देना है। वस्तुनिष्ठ लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की विकल्पों की संख्या पहले की तरह दोगुनी है। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 15 से 23 फरवरी तक चलेगी। यहाँ मिस हो गया है टाइपिंग करने में, यहाँ 24 होना चाहिए। देखिए गलती तो हर इंसान से होता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि इनमें 14.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इंटर वार्षिक परीक्षा 1 से 12 फरवरी तक चलेगी, इसमें करीब 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि बनाना कितना है, जवाब कितना का देना है और कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा। कह रहा है जानिए किस तरह के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 35 का ही जवाब देना होगा। यानी कि जिस भी विषय में 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें आपको 35 बनाना है। उसके बाद कह रहा है कि 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 40 प्रश्नों का जवाब ही देना होगा। उसके बाद कह रहा है लघु उत्तरीय 20 प्रश्नों में से 10 का जवाब देना होगा, दीर्घ उत्तरीय 6 प्रश्नों में 3 का जवाब देना होगा, 100 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव, 50 का उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ कह रहा है मैट्रिक में साइंस विषय में रहेंगे 110 सवाल। कह रहा है मैट्रिक में साइंस विषय में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 80 है, लेकिन इनमें से 40 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 24 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 रहेगी। लघु उत्तरीय प्रश्न 24 में से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 8-8 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी में से 4-4 का जवाब देना है। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। उसी तरह से 6 दीर्घ प्रश्नों में से 2-2 प्रश्न फिजिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, प्रत्येक विषय में से एक प्रश्न का जवाब देना है। यानी 110 में से छात्रों को 55 प्रश्नों का जवाब देना है। वहीं मैट्रिक में मैथ के 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि इंटर 100 अंकों की परीक्षा में 138 प्रश्न रहेंगे। इंटर का मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। सभी अपडेट को मैं आपको बताऊंगा, मॉडल पेपर प्रश्न पत्र कहाँ से डाउनलोड करना है। करा इंटर में फिजिक्स का पेपर 70 अंकों का होगा, इनमें 96 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 70 होगी, जिनमें से 35 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। खंड बी में लघु उत्तरीय प्रश्न 20 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 रहेगी।
लघु उत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्नों में से दो दो अंकों के का उत्तर देना अनिवार्य है, दो दो अंक मिलेंगे। उसके बाद कह रहा है इसके अतिरिक्त 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से 3 प्रश्नों यानी कि 5-5 अंकों के हैं, उत्तर देना अनिवार्य होगा। इसी तरह अन्य सभी विषयों के भी प्रश्न पत्र रहेंगे। सभी विषय में परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया रहेगा पढ़ने के लिए। उसके बाद कह रहा है इसके तहत 100 अंकों की परीक्षा में कुल 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें खंड ए एवं 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिनमें किसी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। वहीं खंड बो में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसके लिए दो दो अंक दिए जाएंगे। इसी खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5-5 अंक मिलेंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको प्रश्न पत्र कहां से डाउनलोड करना है। प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोल लेना है। गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास, लिख के आपको सर्च मार देना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट दिखेगा skknowledgeclass.com, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पे क्लिक कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, आना है लेटेस्ट अपडेट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस पे ऐड दिखेगा, ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि पेज आपका रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद दोस्तों जो है आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल पेपर 2024। मॉडल पेपर को ही प्रश्न पत्र कहा जाता है, ठीक। बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी हुआ है इसी से प्रश्न रहेगा, तो आपको पूरा रट लेना है। मैट्रिक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे सभी विषय का देख सकते हैं डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। जिस भी विषय का डाउनलोड करना है यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं और इसे रट लीजिए। 100% इससे सवाल रहेगा जो बिहार बोर्ड प्रश्न पत्र जारी किया है।